फ्रेंड्स, मैंने उड़ना मुरली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर और पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी को अखिलेश यादव का भी साथ मिला है। अब आप सोचेंगे कि किस मामले में, तो हाल ही के अंदर केंद्रीय बजट जो है केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए बजट के अंदर कुछ भी खास विपक्ष को नजर नहीं आया। वहीं सरकार और सत्ताधारी पार्टियां लगातार इससे वाई वाई लूटने की कोशिश कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने बजट भाषण समाप्त होने के कुछ देर बाद ही ट्वीट किए। उन्होंने एक नहीं बल्कि धड़ाधड़ चार ट्वीट किए। उन ट्वीटों के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास का जो लोग है उनके खिलाफ है। मिडिल क्लास के लोगों को लोअर मिडिल क्लास बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस बजट भाषण के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आगे भविष्य के अंदर किया जा सकता है। उन्होंने यह कहा कि बजट भाषण पूरी तरीके से इस तरीके से नजर आता है जैसे पहले भी लोग भाषण देते गए हैं बजटों के अंदर और वो साल है वो निकल जाता है लेकिन सरकार बताती नहीं है कि कितना काम हुआ और कितना काम करना है। इसी प्रकार इस मामले को लेकर, बजट के मामले को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि ये बजट केवल मात्र झूठी उम्मीदें दिखाता है और इस तरीके की झूठी उम्मीदें लोगों को नहीं दिखानी चाहिए। ऐसे ही मामले में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का अखिलेश यादव को भी साथ मिला। अखिलेश यादव ने खुलकर यहां पर बीजेपी के विरोध में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है वो पूरी तरीके से बीजेपी का बजट है, ना कि देश का बजट है। यह बजट इस तरीके से नजर आता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने युवा, किसान और अन्य लोगों को इस बजट से बाहर ही निकाल दिया है। अखिलेश यादव भी नहीं बल्कि डिंपल यादव ने भी बजट को आपको बता दें कि देश विरोधी बताया। उन्होंने युवा, किसान, महिला, इन तमाम लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोग का कहीं इस बजट में नाम तक नहीं है, इनके बारे में सरकार ने सोचा तक नहीं है। यह बजट 2024 को लेकर बीजेपी ने अपने हिसाब से जारी किया है, इसमें देश की जनता के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसी मामलों के अंदर अन्य जो नेता है उन्होंने भी लगातार बीजेपी के खिलाफ निशाना साधा, लेकिन कुल मिलाकर बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी और अखिलेश यादव के बीच कोई गठबंधन नहीं है। पिछला चुनाव 2019 उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन 24 में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आप खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब